स्वागत है आपका फिर से द क्रिएटिव नर्सिंग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल लिमिटेड की नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में, और जिसमें बहुत ही अच्छी सैलरी मिलने वाली है आपको और बहुत ही अच्छी पोस्ट जो कि होने वाली है। तो आप वीडियो को डिटेल में देखें, आखिरी तक देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलें, और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों यहाँ पर जो है ये तो बहुत सारा ऐसे डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी सैलरी रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पर हम देख लेते हैं नर्स NURE लिखा हुआ है बस यहाँ पे 12022। पास 10+2 इन एनी स्ट्रीम ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। पास डिप्लोमा इन GNM फ्रॉम एम इंस्टीट्यूट जो भी INC से वो है। मस्ट बी 3 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस एज ए नर्स इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और वेल इक्विप्ड प्राइवेट हॉस्पिटल ऑफ रिप्यूट 15 पोस्ट यहाँ पर है। बेस्ट नर्सिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय इंडियन नर्सिंग काउंसिल। बेस्ट नर्सिंग भी होगा, उसके साथ 2 ईयर का जो है उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है दोस्तों। स्टेट रजिस्ट्रेशन जो काउंसिल है उसके साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं 7 पोस्ट अनरिजर्व की है, और 1 SC है, 2 ST है, और 4 OBC है, और 1 EWS जो है वो रखी गई है दोस्तों। और आगे देखते हैं एज लिमिट तो 32 यहाँ पे जनरल के लिए है, 37 ST SC और 35 OBC। 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है यहाँ पर, आप सभी को पता है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी ओनली दोज कैंडिडेट हु फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और जैसे कि उसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके 20% क्वेश्चन रहेंगे जनरल नॉलेज के, और रीजनिंग के जो रहेंगे वो भी 20% रहेंगे मेंटल एबिलिटी, और जो आपके स्पेसिफिक नॉलेज है यानी जैसे नर्सिंग के क्वेश्चन है वो 60% रहेंगे। इस तरह से आपका MCQ लिया जाएगा। और ये जो दोस्तों वैकेंसी है वो असम के लिए है, तो यहाँ पर इंग्लिश और असामी दोनों भाषाओं में जो है प्रश्न पत्र आएगा। डॉक्यूमेंट आप सबके पास होने ही चाहिए, जो भी जो नीडेड डॉक्यूमेंट्स है सभी ओरिजिनल यहाँ पर मांगते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट, अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्शन कैंडिडेट, ये तो बाद में प्रोवेशन वगैरह रहेगा। ये जनरल बहुत सारा डीप में देके रखते हैं, ये बहुत बड़ी PDF है दोस्तों। हम सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो शाम यही हो जाएगी, और सुबह होती है शाम होती है ज़िंदगी यही तमाम होती है। और कट ऑफ डेट जो है दोस्तों वो 25 फरवरी तक रहेगा। हाउ टू अप्लाई, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ऑल इंडिया इस पे आपको जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट है allindia.com, करंट ओपन न्यू SPX फ्रॉम 26/1/2022 से 25/2/2022 तक आप जाके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। और आपको ID पासवर्ड जनरेट करना है, जैसे आप दूसरे फॉर्म भरते हैं उसी तरह से। जनरल और OBC के लिए 200 रुपये रखे गए हैं, ओके, और नॉन रिफंडेबल फ़ी रहेगी। बाकी ST SC EWS कैंडिडेट्स को इससे एक्सटेम्प्टेड रखा गया है, जिनसे फीस नहीं ली जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों सैलरी बहुत ही अच्छी रहेगी आपकी, 44,900 बेसिक होगा, और यानी इन हैंड सैलरी 70,000 से प्लस आप मान के चल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं ये फ्रॉड से आप अलर्ट रहें, वो सब दे रखा है। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। लाइक द वीडियो, शेयर विद फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।